हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, अभी हमें पार्क के अंदर, ये है बेंगलोर का कोई पार्क और ये नॉर्मल व्लॉग है और ये हमारा आखिरी दिन तो नहीं है, कल है आखिरी दिन और कल हम जा रहा है वापस कहाँ, मुंबई। तो वेलकम बैक हो गया तुम लोग का यूट्यूब चैनल पर। चैनल पे न्यू हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो, वो लाल बटन तब जाना मिल जाना चाहिए, उसको दबा दो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मौसम दो तीन दिन से बड़ा खतरनाक चल रहा है, तीन दिन से डेली इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, तुम लोग क्या बताओ। ये हमारी मामी अलग पूरी भीग गई। कैसे मामी आप? या तो ये हम लोग का लास्ट डे नहीं है, हम लोग की कल की ट्रेन है कहाँ, मुंबई की। हम लोग ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, हम लोग ऊटी घूमे, मैसूर पैलेस घूमे, हर जगह। ऐसा क्या नाम है मामी? दिस इज कब्बन पार्क। कब्बन पार्क नाम है इसका, हाँ यहाँ लिखा हुआ तुम लोग को आ रहा होगा। और ये अच्छा खूबसूरत पार्क है और यहाँ हम लोग को जानवर भी दिख रहा है बहुत सारे, वो देखो वो रहा है और एक जानवर देखो वो चलता हुआ आ रहा है। अभी बारिश हो रही है तो हम फटाफट जाते हैं, थोड़ा छुपते हैं, चाय पीते हैं मामी की फेवरेट। yes. और निकलते हैं फिर आगे के लिए। बेंगलोर में कहाँ है भाई? ये एमजी रोड के पास है। एमजी रोड पे है, अगर तुम लोग बेंगलोर आ रहे हो तो ज़रूर ये भी पार्क में घूमो, यहाँ नॉर्मल घूमने का है। वैसे ये थोड़ा बहुत बन रहा है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे हिरन है, हाथी है। कल हम निकल जाएंगे वापस मुंबई के लिए और व्लॉग बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे, तुम लोग के मुंबई के अंदर भी बहुत सारे व्लॉग देखने मिलेंगे अलग अलग जगह। और अब मिलते हैं आगे, सीन देखो तुम लोग, शॉर्ट्स देखो छोटे छोटे। कर्नाटक के अंदर आया है रेड अलर्ट, इसका मीन्स मतलब तीन चार दिन होगी हैवी बारिश। अच्छा, और सर्दी में बारिश का अंजाम तुम लोग जान सकते हो कितना खतरनाक है। जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पूरी की पूरी बारिश हो रही है और हम एक पार्क में आए थे घूमने के लिए और दो दिन से तीन दिन से लगातार हो रही थी, हमने कोई व्लॉग तो शूट किया नहीं बिल्कुल भी। अब एक व्लॉग शूट किया तो बारिश वापस शुरू हो गई। No, God, please, no, no. ये एक होटल का नाम है, हम जानते नहीं है क्या लिखा हुआ है और यहाँ हम लोग चाय वाय पीने के रुके हुए थे यहाँ पे चाय पूरे, मगर बारिश शुरू हो गई है तो हम ये आगे मिलेंगे तुम लोग को। फाइनली हम लोग ने पार्क वार्क घूम लिया था पूरा जैसे तुम लोग देख सकते हो और अभी होने लगी है बारिश। और चैनल पे न्यू हो तो क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और नोटिफिकेशन बेल रिंग बजाना मत भूलना। सब दबा दो, सब दबा दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितने चाहिए उतने कमेंट करो। अनलिमिटेड अनलिमिटेड यार, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। तो अभी हम जा रहा है वापस घर की तरफ और अभी रास्ते में शायद कुछ और तुम लोग कुछ चीज़ें दिखाऊंगा और ये व्लॉग अभी एंड नहीं है, ये नॉर्मल सा डेली व्लॉगिंग की तरह एक व्लॉग था। और ये पार्क अच्छा था और अभी होने लगी है बहुत तेज़ बारिश जैसे तुम लोग देख सकते हो, तो फटाफट चलते हैं वापस कहीं और। सो गाइस फाइनली हम बैठ चुके हैं अभी बेंगलोर की बस में, जैसे तुम लोग देख सकते हो ये पूरी बेंगलोर की बस और यहाँ से हम जा रहे हैं कहीं और, यहाँ मालूम नहीं कहाँ जा रहा है, ब्लॉक पर बने रहो। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी है जैसे तुम लोग देख सकते हो, पूरी की पूरी बारिश हो रही है बड़ी ख़तरनाक वाली, यहाँ पे तीन दिन से बड़ी ख़तरनाक बारिश चल रही है यहाँ पे कर्नाटक मैसूर ऊटी हर जगह बारिश ही बारिश, हाई अलर्ट पे चल रहा है कर्नाटक और ये शायद कल या परसों तक चलेगी। हम मिलते हैं तुम लोग को आगे। भाई जैसे तुम लोग देख सकते हो अभी हमें एक चर्च के अंदर, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये चर्च है। सो गाइस ये चर्च का नाम यहाँ तुम लोग को लिखा हुआ आ रहा होगा पूरा और यहाँ बहुत खूबसूरत है जैसे तुम लोग देख सकते हो, मैं तुम लोग को दिखा। फटाफट हम जाते हैं थोड़ा चर्च एक्सप्लोर करते हैं, फिर तुम लोग को मिलते हैं बाहर। फाइनली हम लोग वो चर्च से निकल चुके हैं जैसे तुमने पीछे देखा होगा वो चर्च,
उसका नाम मुझे मालूम नहीं था, लिखा हुआ वहाँ आ रहा होगा बीबी। और अब फटाफट तुम लोग को थोड़ा बहुत मार्केट में घुमाता हूँ बेंगलोर के। ये है बेंगलोर स्ट्रीट, यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें मिलेगी, कच्चे से लेके, बनियान से लेके, चड्डी से लेके, जूतों से लेके, हर चीज़ तुम लोग को यहाँ मिलेगी। जैसे तुम्हें देख सकते हो ये बहुत बड़ा मार्केट है बेंगलोर का जो हमारे घर के पास है। और ये चर्च के अंदर अभी हम गए थे, तो गाइस यहाँ होने लगी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, जैसे तुम लोग देख सकते हो पूरे बाल बाल कपड़े वपड़े भीग चुके हैं। और अभी हम जा रहा है होटल की तरफ अपने, और अभी भी हमें मार्केट के अंदर। और ये ब्लॉग को अब मैं यहाँ एंड कर दूंगा होटल पहुँच के। तुम लोग ने शॉर्ट्स भी देख लिए, नॉर्मल आज का डेली ब्लॉगिंग के हिसाब से एक ब्लॉग था, एक खूबसूरत सा पार्क तुम लोगों ने देखा। तो फटाफट चलते हैं घर की तरफ, तुम लोगों को मिलते हैं डायरेक्ट घर के अंदर। गाइस फाइनली हम आ चुके थे अभी अपने घर पे, जैसा आप देख सकते हो ये हमारा होटल है। और घूमने फिरने का तुमने व्लॉग देख लिया है। और अभी हम सुबह से जब से निकले हमने कुछ भी नहीं खाया था, और हमने क्यों नहीं खाया था वो भी आपको उधर वाले स्क्रीन में पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें खाने को आ चुकी है। तो हम फटाफट चेक करते हैं खाने को क्या क्या आया, जैसे तुम देख सकते हो। ओए 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 ओए, फाइनली इतना सारा खाना आ चुका है, पता नहीं क्या क्या चीजें है, ये सिर्फ मामू बता सकते हैं जो मामू लेके आए। मामू क्या क्या है बताओ आप। Hey guys, welcome to the vlog of Mr. Mehboob Ali. Okay. Yeah. Now, Bangalore की बहुत famous items हैं जो मैं आपके सामने भी पेश करने जा रहा हूँ। और आइए मैं आपको सिंगल सिंगल एक एक आइटम का नाम बताता हूँ। और कीमे की नान, कीमे बेंगलोर की नान। बहुत ही मशहूर कीमे की नान है ये, इसमें कीमा भरा हुआ है। Now we come back to this. This is a खोपरे की नान, जिसको बोलते हैं बेंगलोर की भाषा में चोबे की नान। चोबे चोबे। We come back to this. और ये जो है स्पेशल मावा, मावे की नान है जिसमें सिर्फ मावा भरा हुआ है, खोवा जिसको बोलते हैं बॉम्बे की भाषा में। yes, yes. खोवा मावा। एंड नाउ वी कम बैक टू दिस, दिस इज अ ड्राई फ्रूट नान, इसमें कंप्लीट ड्राई फ्रूट्स हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि माय फेवरेट, यहाँ पर इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, बादाम है, पिस्ता है, ये है। और ये बेंगलुरु का बहुत ही फेमस शाही टुकड़ा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी कम बैक टू स्पेशल आइटम दैट इज कॉल्ड चिकन पैटीज। चिकन पैटीज मुर्गे की खबर है, ये चिकन की खबर है, हम कब्रिस्तान से उठाकर इसको लेकर आए हैं, इसकी मैयत इसमें रखी है मुर्गे की। होप यू ऑल लाइक द ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक इट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। या तो गाइस फटाफट खाना खाते हैं, क्योंकि ये लोग व्लॉग के लिए सब रुके हुए थे इतनी देर से कि किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। देखो बच्चे कैसे बेचारे भूखे हैं हमारे, देखो कैसे भरा रहा है बेचारे सब, वो छींके मार रही है और वो उधर रो रही है। हम फटाफट खाना खाते हैं और तुम लोग को मिलते हैं थोड़ी देर में खाने के बाद। लाइट चली गई थी, फटाफट खाते हैं, बंद करो, बंद करो हाथ जोड़ के। तो आज का व्लॉग भी तुम लोग ने पूरा देखा है, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो फटाफट। और ये हमारे पास आए थे हमारे मनोज भाई, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें मदद की अशरफ के गेस्ट हाउस में। और ये कह रहे लाइक करो, अब इनके कहने पे तो लाइक कर दो यार। तुम लोग यार, तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो फटाफट, और कमेंट लाजमी तुम लोग को करना ही करना है, क्योंकि अगर कमेंट करोगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि तुम लोग को वीडियो कैसी लग रही है, तुम लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चैनल पे बने रहो, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। और कल हम जा रहा है मुंबई वापस अपने शहर, तो उसकी भी तुम लोग को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने मिलेंगे। और मुंबई भी एक्सप्लोर करूँगा, अभी तक के जितने भी तुम लोग ने व्लॉग देखे सारे बेंगलोर के थे, अब हम जा रहा है वापस मुंबई। अब मुंबई में भी तुम लोग को देखने मिलेंगे बहुत सारे व्लॉग, और चैनल पर बने रहो, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन होगा फिर।